जाति इस देश की सच्चाई है, जाति को कोई इसमें झुठला नहीं सकता है। प्रोफेसर, आप अभी इस बार भीम आर्मी का उम्मीदवार है? हाँ, हम राजस्थान की बात, जब चुनाव की बात करें तो वेलफेयर स्कीम, पोलराइजेशन, ये सब बात करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जातिवाद भी है इधर? देखिए, जाति इस देश की सच्चाई है, जाति को कोई इसमें झुठला नहीं सकता है। और ये जो इलेक्शन है, ये ना तो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट पे हो रहा है, ना पोलराइजेशन पे हो रहा है। ये जो इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट के बेसिस पे हो रहा है। और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं है। ये जो वेलफेयर स्टेट की और वेलफेयर पॉलिसीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का और इंडियन टैक्सपेयर्स का जो पैसा है, इसको ये उन लोगों में बांट करके वोट लेना चाहते हैं। और ये कंसेप्ट जो है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। ठीक है, आप बोला कि आप बहुत होपफुल है इधर, क्यों लग रहे हैं कि एक तो हिंडोली ये जो है थोड़ा कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है? ये जो असेंबली है, हिंडोली नैनो असेंबली है, ये असेंबली जो है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बैकवर्ड है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है, स्कूल्स नहीं है। इवन इफ जो महिलाएं हैं गाँव की, वो तीन तीन चार चार किलोमीटर से अपने सर पे मटकी के पानी लेकर के और पीने का बंदोबस्त कर पाती हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ के जो लीडर्स हैं, पिछले 15 साल से जो कांग्रेस बीजेपी के यहाँ लीडर्स रहे हैं, जो मेरे अपोजिशन में दोनों चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके पास उपलब्धि के तौर पे दिखाने को कुछ नहीं है। 10 साल पहले चुनाव लड़े, 10 साल बाद वह पॉलिटिकल टूरिज्म पे दूसरी जगह चले गए। उनको लगा कि ये जो विधानसभा है, इसमें उनके लिए उपजाऊ घास फिर से पैदा हो गई है, तो चलो वहां जा करके घास को वो कर लेते हैं। ऐसे ही जो दूसरे जो कांग्रेस के जो अपोजिशन में लीडर हैं, उनकी देखें तो उन्होंने यहाँ एक टेरर स्टेट एस्टेब्लिश किया हुआ है, आतंक का शासन जिसको हम कह सकते हैं। और उन्होंने इतना आतंक किया हुआ कि गांव में लोग उनसे डरे हुए थे, पर जब से हम आए हैं, लोगों को हमने कॉन्फिडेंस दिया है और लोगों ने हमारा साथ जो दिया है, जिस तरीके से लोग साथ दे रहे हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ एक कंफर्टेबल विन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कौन सा, आपकी जो पार्टी है, कौन सा पार्टी की वोट ज्यादा काटेंगे? ये आजाद समाज पार्टी है और हमारा सामाजिक संगठन भीम आर्मी है। हमारा कोलिशन जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो हनुमान बेनीवाल जी जिसके नेशनल प्रेसिडेंट है, उसके साथ हमारा कोलिशन। नहीं, कौन सा पार्टी अभी जो कांग्रेस का या बीजेपी का वोट ज्यादा काटेगी? देखिए, हमारा वोट काटने का उसका वो नहीं है, हम हमारे जो और जो वोटर्स हैं उसके साथ इस इलेक्शन में आए हैं। और दोनों जो पार्टीज हैं उनसे यहाँ के जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं, उनकी पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, उनके लीडर से जो है तंग आ चुके हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ एक पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये दोनों पार्टियों के खिलाफ है मेजर। हम ये नहीं कह सकते हम इसको काट रहे हैं या उसको काट रहे हैं, हम दोनों पार्टियों के जो वोट को लेकर के और एक कंफर्टेबल विन की तरफ आगे बढ़ेंगे।